हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। हरियाणा टूरिज्म विभाग के कर्मचारियों ने फरीदाबाद से बल्लभगढ़ राजा नाहर सिंह महल टूरिज्म कॉम्प्लेक्स में हरियाणा टूरिज्म विभाग के चेयरमैन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा टूरिज्म विभाग को लॉकडाउन के दौरान घाटे में दिखाकर उसे बेचने की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इस घाटे का बहाना बनाकर हरियाणा टूरिज्म विभाग के कर्मचारियों को तीन तीन महीने से सैलरी नहीं दी गई है, जिसका वो पुरजोर विरोध करते हैं। विभाग के कर्मचारियों ने हरियाणा टूरिज्म विभाग को निजी हाथों में सौंपने का विरोध करते हुए मांग की है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए और ठेका प्रथा खत्म की जाए, साथ ही हरियाणा टूरिज्म विभाग का निजीकरण नहीं होने दिया जाए। विरोध कर रहे कर्मचारियों ने कहा कि पूरे एशिया में कभी हरियाणा टूरिज्म विभाग नंबर वन हुआ करता था, लेकिन इसे साजिश के तहत घाटे में दिखाकर बेचने की तैयारी की जा रही है, जिसका वो पुरजोर विरोध करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। जी आज नहीं, ये लगातार तीन दिन से चल रहा हमारा प्रोग्राम गेट मीटिंगों का सभी कम्प्लेक्सों में। जैसा कि अभी आपको बताया था कि हमारा जो निर्णय हुआ यूनियन का 27 तारीख को, उसके तहत ये अभी गेट मीटिंगें चल रही हैं, फिर ज्ञापन देने का प्रोग्राम शुरू होगा, फिर जो चेयरमैन है उसके घर का घेराव का प्रोग्राम होगा, आगे की रणनीति वहीं से तय की जाएगी। ऐसा है जी कि हमारी 27 तारीख को करनाल में कार्यकारण मीटिंग हुई थी, क्योंकि हमें सूत्रों से पता लगा था कि भाई टूरिज्म के कम्प्लेक्सों को सरकार बेचने जा रही है, तो हमने 27 तारीख को करनाल मीटिंग की। उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष एसकेएस के लामा साहब हमारे साथ में उपस्थित थे, तो उसमें सभी कम्प्लेक्सों से हमारे साथी गए थे, तो उसमें हमने निर्णय किया कि भाई हम 28-30 तक तो करेंगे गेट मीटिंग प्रदर्शन करेंगे, उस पर 1-7 तक एमएलए एमपी को ज्ञापन देंगे जाके अपने अपने जिलों में, उसके बाद डीसी ऑफिस पर प्रदर्शन करेंगे और सीएम के नाम ज्ञापन डीसी साहब को देंगे, और 22 तारीख को हमारे चेयरमैन साहब हैं रणधीर गोयल जी, रणधीर गोलन जो कैथल से बिलोंग करते हैं, वो इस कमेटी के अध्यक्ष हैं बेचने वाली के, उसका हम घेराव करेंगे उसके घर पर जाकर 22 तारीख को, और वहीं निर्णय करेंगे। अगर बात नहीं बनी तो हम उसके बाद पर्यटन मंत्री का भी घेराव।